अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक बहुत बेहतरीन यमी और जूसी ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी बहुत आसान है। जिन लोगों की शिकायत होती है ना कि ब्रेड को बेलना पड़ता है या फिर वो जब उनको फ्राई करते हैं तो ब्रेड में बहुत ज़्यादा ऑयल रह जाता है, आज की रेसिपी में ये सारे झंझट बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट हम ये ब्रेड रोल बनाकर तैयार करेंगे। बहुत बजट फ्रेंडली है। एक पाव चिकन के साथ हम ये ढेर सारे कबाब बनाकर ब्रेड रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक पाव चिकन के साथ हम ये ब्रेड रोल बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पाव बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो आप हड्डी के साथ चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने आधा किलो चिकन का इस्तेमाल करना है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी के, 2 से 3 गिलास आप पानी इसमें शामिल कर दीजिएगा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक। इससे जो चिकन है वो बहुत ही जूसी और सॉल्टी बनकर तैयार होगा। तो आपने चाहें तो आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं। जब आप देखेंगे पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, पानी में जैसे ही बॉईल आता है ना तो चिकन पे इस तरह से झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जितना पॉसिबल हो, जितना आपसे हो सके, आपने ये सारा झाग उतार लेना है। तो मुझसे जितना हो सका था मैंने ये झाग उतार ली है। अब हम इसको कवर करके कम से कम भी 15 से 17 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और चूल्हे की आंच जो है उसको आपने बिल्कुल लो कर देना है। स्टीम कुक करेंगे हल्की आंच पर। और यहाँ पर मुझे 15 मिनट 16 मिनट गुजर चुके थे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है और ये जो बाकी चिकन का जो स्टोक रह गया ना इसको हम सेव कर लेंगे, इसको आपने वेस्ट नहीं करना है। चिकन को मैं निकाल दूँगी और पैन में जितना भी यखनी बच गया है इसको मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। ये हमारे आगे चलकर ना काम आने वाला है। इसलिए अब जो चिकन है, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी मैं गरम चिकन को ही श्रेड करने के लिए खड़ी हो गई। आपके पास टाइम हो तो आप चिकन को ठंडा होने दीजिएगा और उसके बाद आप चिकन को श्रेड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारा चिकन मैंने श्रेड कर लिया है। अब इस चिकन को साइड पर रख देंगे और जो यखनी हमने बचा कर रखी थी उसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच। अच्छा, आपने कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करना है, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। अब इनको अच्छे से मिक्स करके इस साइड पर रख देंगे। ये स्लरी हमें आगे चलकर काम आने वाली है, इसमें मैं पहले ही बनाकर इसको रख रही हूँ। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच जितना ऑयल, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ का मैं प्याज इसमें डाल रही हूँ जिसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसको हल्का सा सौते कर लेंगे या फिर इतना कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि हल्का सा ना नरम हो जाए। अब इसमें कुछ वेजीज़ मैं शामिल करूँगी, जिसमें है गाजर जिसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, एक शिमला मिर्च ली है इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, और बंद गोभी का चौथाई हिस्सा, ठीक है, चौथाई हिस्सा मैंने लिया, उसको बारीक लंबाई में काट लिया है, और श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के दौरान ना ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट भी हो जाएंगे सारे जो वेजीज हमने डाली हैं। नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, और जो काली मिर्चें हैं ये मैंने ताज़ा क्रश की हैं, ताज़ा ही कुंडी डंडा में डाल के इसका मैंने पाउडर बनाया है, और ये मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच। अच्छा, मसाले जो हैं थोड़े से आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत बैलेंस बताए हैं क्योंकि आगे चलकर हम इसमें बाइंडिंग के लिए आलू का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ब्रेड का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो स्पाइसेस सारे मैनेज हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा जूसी रखने के लिए और इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस 3 से 4 खाने के चम्मच, और सिरका इसमें जाएगा 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है, आप अपने जायके के मुताबिक जो स्पाइसेस हम बता रहे होते हैं ना, ये थोड़े बहुत आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। चाहें तो कम कर लें, चाहें तो ज़्यादा कर लें, या फिर चाहें तो एज इट रख लें। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आँच मैंने मीडियम लो रखी हुई है, और अच्छे से मिक्स करने के दौरान ना वेजीज आहिस्ता 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 ना नरम हो रही हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट तक वेजीज नरम हो जाएंगी। अब जो स्लरी हमने बना कर रखी थी ये ना हमारे ब्रेड रोल्स को एक बहुत ही अच्छी बाइंडिंग देगा।
ठीक है, ये इसमें डाल देंगे और फौरन से आपने चम्मच चलाना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है 1 मिनट तक के लिए। मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाला है ना वो पक जाए इन वेजीज़ के साथ, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें अपने जो रोल हैं उनको जूसी रखना है, ठीक है, खाने में मज़ा आए। तो बस ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए और इसकी जूसीनेस अभी बरकरार है, जो कि अभी आपको नज़र आएगा। अब चूल्हे की आंच जो है उसको मैंने बंद कर दिया है और ये बेहतरीन पॉइंट है, यहाँ पर आप नमक चेक कर सकते हैं और ये इतना मज़े का था ना ये फीलिंग बहुत। तो अब इसको मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि अभी इसमें जूसी जूसी ये फीलिंग जो है बहुत ही जूसी है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है। अब जब देखें कि ये फीलिंग ठंडी हो चुकी है तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू, और आलू इतने ठंडे थे कि मैं इसको हाथ लगा सकती थी, ठीक है। तो ये मैंने लिए हैं 550 ग्राम, जो कि थे आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये इसमें इस तरह कद्दूकश कर लेंगे, आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं नॉर्मल हाथों की मदद से, कुंडी डंडा की मदद से या फिर मैशर की मदद से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 अदद ब्रेड, जिनको मैंने जूसर में डालकर थोड़ा सा घुमा लिया है, जो कि ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ताज़ा फ्रेश यानी कि हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के जितना। हरा धनिया का टेस्ट ना मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, भले वो सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़ हो, चटनी में, हर चीज़ में। तो मैंने इसमें 1 कप रखा है, आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब हरा धनिया डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ही रोल बनाकर फ्राई करेंगे, इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, और रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को लाइक किस किसने किया है और आगे चलकर शेयर कौन कौन करने वाला है, क्योंकि इतनी बेहतरीन मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो रिटर्न में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, थोड़ा सा हौसला अफजाई देने के लिए। तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली की भी ज़रूर हेल्प किया करें, क्योंकि ये रमदान स्पेशल मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ, एक यूनिक रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो सारे मैंने इसकी बाइंडिंग अच्छे से कर ली है, मसाला साइड पर रख देंगे। हाथों पर मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो वो हाथों पे बहुत चिपचिपा सा आपको थोड़ा सा दुश्वारी पेश आ सकती है, इसलिए आपने हाथों पे ऑयल लाजमी ग्रीस करना है। और रोल बनाने के लिए ना आपने 1 खाने का चम्मच भर के इसका हिसाब रखना है। इससे क्या होगा कि आपके सारे ब्रेड रोल ना इक्वल बनकर तैयार होंगे, यानी कि बराबर होंगे, ना तो बड़े होंगे ना ही छोटे होंगे। ये एक छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना इसको लाजमी फॉलो किया करें। 1 चम्मच के जितना आपने ये मिक्सिंग लेनी है, उसको पहले हाथों से सख्ती से प्रेस करते हुए इसका बाउल बनाएं और फिर इस तरह से रोल की शेप दे दें। तो ये देखें ये रोल बनकर तैयार है। एक रोल मैं आपको और भी बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखें मैं 1 चम्मच का हिसाब रख रही हूँ। मैंने भी कुकिंग में बहुत मिस्टेक्स की हैं, तब जाकर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो अब इसी तरह से सारे ब्रेड रोल मैं बनाकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से 1 पाउच चिकन के साथ। अच्छा, अभी ना इसमें गुंजाइश थी, आप चाहें तो आलू मज़ीद बढ़ा सकते हैं, उससे आपके ब्रेड और ज़्यादा बनकर तैयार होंगे, ठीक है, इतनी गुंजाइश थी इसमें। तो ब्रेड रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा 5 खाने का चम्मच। अच्छा, यहाँ पर अब इसकी कोटिंग के लिए आपने मैदे का ही इस्तेमाल करना है, आपने कॉर्नफ्लोर नहीं इस्तेमाल करना। आधा कप पानी डालेंगे और ये इसकी लेई तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखें ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बिल्कुल पतला सा है, मीडियम कंसिस्टेंसी है। अब एक ब्रेड रोल को इसमें डालकर इस लेई में कोट करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद क्रिस्पी करना तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, यानी एक दफ़ा कोट किया, दूसरी दफ़ा आपने फिर मैदे में डिप किया, फिर आपने ब्रेड क्रम्स लगाए, लेकिन ये इनफ है। तो अब मैं आपको इसको जो है फ्रीज़ करने का तरीका बता देती हूँ। कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले, उसमें पॉलीथीन बैग या फिर कोई भी बैग दरमियान में रखें, और उसके ऊपर ये ब्रेड रोल आप 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं,
ठीक है, रमदान आने वाला है, आपकी सहूलत के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तो आप चाहें तो इसके 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें जो ऑयल है वो मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही आप डालेंगे ना फ़ौरन से डार्क कलर आ जाएगा। तो दरमियानी आंच पर इसको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो कबाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर लाइट गोल्डन सा आ चुका है। इससे ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना, क्योंकि जब हम समोसे हों, पकोड़े हों, या फिर ये ब्रेड रोल्स हों, इनको हम बाहर निकालते हैं ना, तो ये मज़ीद डार्क हो जाते हैं। सही है। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड रोल्स फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, जब आप इनको फ्राई करें ना, तो आपने किसी एक ही बर्तन में डालते नहीं जाना एक दूसरे के ऊपर। इससे क्या होगा कि इनकी भाप निकलेगी गरम गरम, और ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे। सही है, इनको आपने अलग अलग रखना है। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है। तो ये है जी हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। बहुत यमी ये ब्रेड रोल बनकर तैयार होते हैं, और आपने देखा कितना बनाने में आसान है। बस आप रेसिपी को एज इट फॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगी। मज़ीद अगर आपको, मैंने कोशिश की है आपको डिटेल से समझा सकूं, हर चीज़ बता सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और इंस्टाग्राम पर मेरा जो यूज़र नेम है वो है ice&spice.pk। आई होप कि वीडियो को थम्स अप दे दिया होगा। अल्लाह हाफिज़। नरम, मुलायम, जूसी और चटखारा कबाब की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा, और आप देख रहे हैं ice&spice यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक बेहद ही यूनिक रेसिपी और बेहद लाजवाब और आसान रेसिपी देने जा रही हूँ। साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से या तो आपके कबाब टूट जाते हैं, या अंदर से सख्त होते हैं, या अंदर से कच्चे रह जाते हैं, या फिर जूसी नहीं बनते हैं। तो रेसिपी को आपने बिना स्किप किए देखना है, ताकि कोई भी अहम इम्पॉर्टेंट टिप आप मिस ना करें, और आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनकर तैयार हो। इवन कि अगर आप बिगिनर भी हैं, तब भी आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चॉपर लेंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था। इसको बारीक चॉप कर लेना है 5 से 6 मिनट लगा के। और जब आप देखें कि प्याज चॉप हो चुके हैं, इसको आपने अलग से निकाल देना है। अगर आप महसूस करें तो आपने इसका जो जितना भी पानी होगा उसको आपने निचोड़ लेना है हाथों से, या फिर छन्नी की मदद से। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसमें इतना पानी नहीं था कि मैं स्ट्रेन करूँ, इसलिए मैंने इनको स्ट्रेन नहीं किया है, एज इट साइड पर रख दिया है। दूसरी तरफ अब मैंने लिया है बीफ का कीमा, ये मैंने लिया है 500 ग्राम, और इसमें आपने चर्बी लाजमी डलवानी है। अगर आपको बाय चांस चर्बी ना मिले, तो फिर आपने चर्बी की जगह पर 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करना है। सही है। अब सेम चॉपर में मैं डाल रही हूँ 3 स्लाइस ब्रेड के। कुछ लोग पहले ब्रेड को जो है ब्रेड क्रम्स बनाकर और फिर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाला है ब्रेड, उसके बाद अब जो कीमा और चर्बी है वो इसमें डाल देंगे। इसी के साथ जो प्याज हमने चॉप करके रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। हरा धनिया, ये फ्रेश हरा धनिया का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा बंच लिया है, डंडी के साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, टेस्ट आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने बहुत बैलेंस रखा है ना, बहुत ज़्यादा कबाब तेज़ हो मसाले वाले होंगे, और ना ही बिल्कुल फीके से होंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है नमक, 2 खाने का चम्मच लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच, और ये मैंने फ्रेश क्रश किया है, यानी कि ताज़ा पीसा है। कोशिश किया करें ताज़ा ही लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया करें, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैं ढककर चॉप कर लूँगी। कम से कम भी मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे। इसको आपने बहुत अच्छे से चॉपर में चॉप करना है, 2 मिनट के लिए चॉप करें, फिर चम्मच की मदद से आपने इनको हिलाना है, ऊपर ऊपर नीचे करना है, और फिर इसी तरह से 7 से 8 मिनट के लिए आपने इनको पीसना है। तो अभी आप देख सकते हैं कीमा बिल्कुल, इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी सा है, हर चीज़ इक्वली ग्राइंड हो चुकी है। अब अगर आप बिगिनर हैं
तो आपको मैं एक टिप देती चलूँ कि जब हम चटखारा कबाब का, जब कबाब का सालन बनाया जाता है ना, उसमें कोशिश किया करें कि कबाब जो है मीडियम साइज़ के बनाया करें। छोटे छोटे कबाब ही हांडी में अच्छे लगते हैं। तो आपने एक खाने के चम्मच का हिसाब रखना है, एक खाने का चम्मच जितना आप कीमा लें उसको बहुत सख्त हाथों से आपने उसका बाउल बनाना है। उसको अच्छे से आपने बाइंडिंग जो है ना उसकी बहुत अच्छे से करनी है, एक दूसरे से कीमा बहुत अच्छे से जब जुड़ा हुआ होगा तो फिर आपका कबाब कभी भी टूटेगा नहीं। अब इसको कबाब का लुक देने के लिए मेरे पास सीख भी रखी हुई थी और मेरे पास ये लकड़ी का जो है स्टिक रखा हुआ था। आप उस सीख की भी मदद ले सकते हैं और लकड़ी का कोई ऐसा स्टिक है उसकी भी मदद से आप ये कीमा, सॉरी, कीमे के कबाब बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाया है, बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए इन कबाब की लुक देनी है। और ना ही इन कबाब बनाने के लिए मैंने हाथों पे ऑयल ग्रीस किया है और ना ही पानी लगाया है। और आप देख सकते हैं हमारे कबाब की बाइंडिंग कितनी परफेक्ट और लाजवाब है। तो यही चीज़ें होती हैं, अगर आप रेसिपी को एज इट फॉलो करें ना तो कभी भी हमारे कबाब ख़राब नहीं होते हैं। अब एक कबाब मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है, दूसरा भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। सेम उसी चम्मच का हिसाब रखते हुए मैंने कीमा लिया, उसको अच्छे से प्रेस किया, फिर उसको रोटी कबाब की शेप दे दी और फिर दरमियान में मैंने लकड़ी की स्टिक रखकर उसको बहुत अच्छे से, यहाँ पर मैं हाथों की सख्ती से इनको ना प्रेस कर रही थी आपस में। जब आप सख्ती वाला हाथ लगाएंगे कीमा आपस में जुड़ेगा तो फिर आपका कबाब कभी भी नहीं टूटता है। तो यहाँ पर दूसरा कबाब भी तैयार है। अच्छा, रमज़ान आने वाला है तो आप चाहें तो रमज़ान में इसको बनाकर पहले आपने 1 घंटे के लिए, 1 से आधे घंटे के लिए आप इनको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र का जो हिस्सा होता है ना उसमें। जब देखेंगे कबाब आपके सख्त हो चुके हैं फिर आप कोई ज़िपलॉक बैग लें या फिर कोई भी बॉक्स उठा लें, एयर टाइट कंटेनर में आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सही है? तो यहाँ पर ये कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन। इसमें डालेंगे कुछ ऑयल, 4 से 5 खाने के चम्मच जितना मैंने ऑयल इसमें डाला है, और हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई मैं इसको नहीं कर रही। जब देखेंगे ऑयल मीडियम हॉट हो चुका है फिर आपने सारे कबाब रख देने हैं। कबाब इस तरह, जिस तरह मैंने इनको स्पेस दे के रखा हुआ है ना, यानी थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है। तो कबाब फ्राई करने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा कबाब एक ही फ्राई पैन में नहीं डाल दे दे काम को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में, थोड़ी थोड़ी जगह होनी चाहिए। अब 7 से 8 मिनट लगे थे हल्की आंच पर, मैंने इनको फ्राई किया है। चूल्हे की जो आंच है उसको आपने हाई नहीं करना, वरना क्या होगा कि आपके कबाब बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो चूल्हे की जो आंच है मैंने मीडियम लो रखी हुई है, मीडियम लो आंच पर इनको पलटते हुए मुसलसल फ्राई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इनमें से भाप निकल गई है। तो कबाब हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैं मज़ीद इनको लाइट गोल्डन कलर दे दूँगी। वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, यानी कि वीडियो को थम्स अप दे दिया होगा। और अगर आपको हेल्पफुल लगे लास्ट में तो आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। अब कबाब को मैंने रख दिया है साइड पर। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच या 1/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल या फिर घी। इस वक्त मेरे घर पर घी मौजूद था तो मैंने घी का इस्तेमाल किया है। फ्रेश पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। इसको हम सोटे कर लेंगे। इतना करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, इसको बिल्कुल डार्क कलर नहीं देना, बस इतना कि इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाए और लाइट गोल्डन हो जाए। तो जब देखें लहसुन और अदरक लाइट गोल्डन हो चुके हैं फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनका छिलका उतार लिया, ग्राइंडर जग में डालकर 1/2 कप पानी डाला और इसका बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया। अब हम इनको इतना कुक करेंगे कि टमाटर जो है ना ये ऑयल रिड्यूस कर दें, ताकि टमाटर जो है ना अच्छे से पक जाएँ। जब टमाटर ने ऑयल रिड्यूस कर दिया फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1/2 चाय का चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा मैं डाल रही हूँ, भुना कुटा ज़ीरा है और ये फ्रेश आपने डालें तो उससे जायका बहुत अच्छा आएगा।
गरम मसाला मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच। अब दूसरी दफ़ा हम इसको इतना सोटे करेंगे कि जो ऑयल है, घी है, वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाए, मसाले अलग हो जाएं और जो घी है वो अलग हो जाए। अब इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि जो मसाले हैं वो अलग अलग ना रहें, बिल्कुल लई शक्ल में आ जाएं और बहुत ही एक प्यारा सा हमारे पास मसाला बनकर तैयार हो। तो पानी डालने के बाद जब देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अब देखें इसमें साइड से आप देख रहे हैं, इसमें बॉइलिंग पॉइंट आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए कबाब। इसमें पानी अभी खड़ा था तो मैंने इसमें कबाब डाल दिए हैं, क्योंकि अब हमें ढककर कबाब को कम से कम भी 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम कुक करना है, यानी कि दम पर इसको हमने पकाना है। इससे क्या होगा, अगर कबाब में थोड़ी बहुत अंदर से कोई गुंजाइश रह गई हो, कच्चे रह गए, वो भी पक जाएंगे और जो मसाला हमने इसमें डाला है ना, वो कबाब अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारे कबाब जूसी बनकर तैयार होंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ड्राई मसाले में आपने कबाब नहीं डालने, पानी थोड़ा सा उसमें हो तो फिर आपने कबाब इसमें डालने हैं। 7 से 8 मिनट पकने के बाद, स्टीम कुक होने के बाद, कबाब हमारे बहुत जूसी से तैयार हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ वेजीज, जिसमें मैंने एक शिमला मिर्च ली है, एक टमाटर लिया है और 2 मैंने छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, और इन तीनों सब्जियों को ही मैंने जूलियन यानी कि लंबाई में कट कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत जेंटल हाथ रख के आपने इनको मिक्स करना है, कबाब को आपने तोड़ना नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर कबाब नरम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही लाइट हाथों से मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को सब्जियों का क्रंच पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, मुझे इनका क्रंच पसंद है और ये सलाद का काम भी करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ ढक कर इसको 1 मिनट के लिए लो मतलब स्टीम कुक किया है, दम पर इसको मैंने पकाया है, ताकि थोड़ी सी ना ये शिमला मिर्च और ये सारी जितने भी तीनों सब्जियां हमने डाली हैं नरम हो जाएं। 1 मिनट के बाद इसमें मैंने डाला है इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया, थोड़ा सा चॉप किया हुआ मैंने डाला है। तो जी, चूल्हे की आंच बंद कर दी है और ये है हमारे कबाब हांडी का फाइनल लुक, चटखारा कबाब, जो भी आप इसको बोलना चाहें बोल सकते हैं। बहुत यूनिक, बहुत लाजवाब रेसिपी मैंने आपको दी है, मैंने कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर icesandspice.pk लिख कर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा अकाउंट। और अभी मैं आपको कबाब चेक करवा रही हूँ, आप चेक करें, ये अंदर से बहुत जूसी बनकर तैयार होते हैं और एकदम परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको दी है, इवन कि अगर आप बिगिनर हैं आपसे भी बहुत परफेक्ट रेसिपी बनेंगी। नेक्स्ट रेसिपी क्या हो कमेंट करके लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। परफेक्ट रेशेदार चिकन कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं, चिकन शामी कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं कि आपके कबाब में पानी भी ना हो और रेशेदार भी बनकर तैयार हो और मुंह में मसाले भी ना आए, तो इस रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, तमाम टिप्स आपको मिलने वाली हैं। और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 किलो चिकन, जो कि हड्डी के साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आप बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप 1 किलो में बनाना चाहें तो आप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी डबल कर लीजिएगा। 1 कप मैंने चना दाल ली, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रखिएगा। 2.5 खाने के चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, और 1 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर, आप साबुत दालचीनी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है, और 1 चाय का चम्मच हल्दी, और 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें, और 1/2 खाने का चम्मच नमक, और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो लाल मिर्चों का पाउडर बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको स्पाइसी शामी कबाब पसंद हैं तो। अब मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ, इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं।
इसको ढक देंगे, और ढक कर आपने इसको कम से कम भी आधे घंटे के लिए प्रेशर कुक करना है, और प्रेशर कुक करने के लिए आपने इसकी फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। आधा घंटा यहाँ पर गुजर चुका है और आप देख सकते हैं चिकन और दाल बहुत अच्छे से मेरे पास गल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। दाल मैं आपको चेक करवा देती हूँ, आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका था। कबाब बनाते वक्त आप जो मिस्टेक करते हैं वो यही होती है कि आपने आपका जो बैटर होता है यानी कि दाल और चिकन का जो मिक्सचर होता है इसमें लिक्विड मौजूद होती है, यानी कि थोड़ा सा पानी रह जाता है, जिसकी वजह से या तो आपके शामी कबाब टूट जाते हैं और क्रैक आ जाते हैं या फिर सही नहीं बनते हैं। तो आपने इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई करना है। मैंने मीडियम हाई आंच पर इसको इसका पानी ड्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। पानी खुश करने के बाद इसमें इसको आपने ठंडा होने देना है। मेरा भी जो है दाल और चिकन थोड़ा सा गर्म था, तो इसमें जितनी भी हड्डियाँ होंगी वो सारी आपने वेस्ट कर देनी है, यानी निकाल देनी है। तो हड्डी वेस्ट करने के बाद अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से आपने मैश कर लेना है, जिसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ इस डंडे के साथ मैश करना। तो इसके साथ फ़ायदा ये है कि इसका एक एक रेशा अलग हो जाता है और बहुत अच्छे से मैश होके हमारे पास आते हैं, जिस तरह हमें एक आइडियल शामी कबाब का मिक्सचर चाहिए बिल्कुल उसी तरह से आपके पास आएगा। अब आधा कप के जितना मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश हरा धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ, और हरी मिर्चें मैंने ली थी 3 से 4, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अगेन स्पाइसेस यानी कि मसाला जो है वो आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको कितना स्पाइसी शामी पसंद है। एक सारा अंडा शामिल कर देंगे और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्सचर हमारा तैयार है और मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं इसका एक एक रेशा अलग हो चुका है और सारे मसाले बहुत इवनली और बहुत अच्छे से इसमें मिक्स भी हो चुके हैं। तो अब हम अपने शामी कबाब बना लेंगे। इसके लिए एक अंडे के जितना आपने मिक्सचर लेना है, यानी कि एक जो नॉर्मल अंडा होता है ना उसके जितना। शामी कबाब ना तो बहुत बड़े होने चाहिए ना ही बिल्कुल छोटे। इसको बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए पहले आपने इसका बाउल बनाना है और फिर ऊपर से प्रेस करके इसको शामी कबाब की लुक दे देनी है। तो यहाँ पर हमारे बहुत प्यारा सा एक शामी कबाब बनकर तैयार है। इसको एक ऑयल या फिर घी से ग्रीस की हुई प्लेट पर रख देंगे और सारे शामी कबाब इसी तरह से तैयार कर लेंगे। मैं एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो सारे कबाब इसी तरह से आपने बनाकर रख देने हैं, और जितनी चीज़ें हमने ली हैं इसमें 15 से 16 कबाब बनकर तैयार हुए थे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इनको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले आपने इनको एज इट फ्रीज़र में रख कर ठंडा कर लेना है अच्छे से, और फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिपलॉक बैग में आपने इसे स्टोर कर लेना है। दूसरी तरफ एक पैन लिया है और उसमें मैंने ऑयल शामिल किया था। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना। इन शामी कबाब को शैलो फ्राई आपने करना है। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो आपके कबाब टूट भी सकते हैं। मीडियम हॉट ऑयल में मैं इनको फ्राई कर लूँगी, और चूल्हे की जो आंच है उसको मैंने दरमियानी यानी कि मीडियम हाई रखा हुआ है। पहले आपने एक कबाब को थोड़ा सा ऊपर उठाकर चेक करना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो चुका है फिर आपने उनको पलट लेना है, और इसी तरह उलट पुलट के आपने इनको फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई करते वक्त आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, क्योंकि हमने इसमें एक कच्चा अंडा शामिल किया है, इसलिए आपने मीडियम लो आंच पर इनको फ्राई करना है, ताकि इसकी जो हीट है वो कबाब के अंदर तक जाए और अंडे का कच्चापन अंदर से भी ख़त्म हो जाए। अगर आप रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसे लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा।
तो यहाँ पर ये कबाब फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं वन बाय वन सारे नहीं डिश आउट कर लूँगी। कुकिंग में कुछ भी पकाना हो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती, बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो कभी भी हमारी रेसिपी फेल नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों को आप लाजमी फॉलो किया करें, आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनकर तैयार होगी जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है। अब दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर सारे कबाब इसी वक्त फ्राई कर रही थी इसलिए मैंने सारे ही शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, और अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं है और बहुत ही रेशेदार बनकर तैयार हुए हैं। बहुत बैलेंस्ड इसमें मसाले थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थे। तो इन्हें आप डिनर में बनाएं, रमज़ान में बनाकर स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं, रायते के साथ सर्व करें, या जिस तरह मर्ज़ी आप इन्हें सर्व करना चाहें कर सकते हैं। दुआओं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला समोसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि रमज़ान स्पेशल है, और इसमें जो शीट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको घर पर बनाना सिखाऊँगी। तो रेसिपी को आपने बिना स्किप किए देखना है, और मेरी कोशिश है जो बिगिनर मुझे यहाँ पर देख रहे हैं उनको हर चीज़ डिटेल के साथ समझा सकूँ, इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना है, और अगर अच्छी लगे तो इसको थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर मैं आपको आटा गूंद के इसका छोटा सा क्लिप मैं दिखा रही हूँ। समोसा शीट्स हम लास्ट में बनाएंगे क्योंकि बहुत सारी मेरी तरह लेज़ी ख़वातीन होती हैं जो समोसा शीट्स बाहर से ही लेती हैं, तो उनके लिए ये क्विक रेसिपी है। आप फ़ौरन से अगर आपके पास रेडीमेड समोसा शीट्स हैं तो आप फ़ौरन से ही समोसा बनाना स्टार्ट कर दें। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो से थोड़ा सा कम बोनलेस चिकन। अगर आप चाहें तो आप हड्डी के साथ जो चिकन होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो बोन्स वाली हड्डी बोन्स वाली बोटी ली जाए ना, उसमें जायका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लहसुन अदरक मैंने पीस लिया है, 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, 1 इंच के जितना मैंने अदरक लिया था। इसको अच्छे से पीस लेना है और कोशिश कीजिएगा फ्रेश ही इस्तेमाल करें। अब मसालों में तंदूरी मसाला मैंने इसमें डाला है 3 खाने के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और लेमन जूस 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको लगे ना कि आपसे मसाला मिक्स नहीं हो रहा अच्छे से, उसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच जितना ना पानी भी डाल सकते हैं। तो अब जो चिकन हमने लिया है उसको इस मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से आपने प्रेस करते हुए इस चिकन की अच्छे से मसालों के साथ कोटिंग करनी है। और क्योंकि तंदूरी मसाला काफ़ी स्पाइसी होता है, और जैसे मैंने आपको बताया भी है कि बहुत कम मसालों के साथ हम ये समोसा बनाकर तैयार करेंगे, जस्ट आपने देखा कि 3-4 मसाले ही हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ नमक, तंदूरी मसाला और लेमन जूस, दैट्स इट। अब इसको चिकन को मैंने बहुत अच्छे से मसाला लगा लिया है, कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेशन का टाइम ज़रूर देना है ताकि चिकन मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और चिकन अंदर तक जूसी भी और मज़े का लगे। अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आप कम से कम भी 15 मिनट या फिर आधा घंटा इसको ज़रूर रखिएगा। तो मैंने इसको आधा घंटा दिया था। अब एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच जितना ऑयल और चिकन रख देंगे। चिकन रखने के बाद चूल्हे की आंच आपने मीडियम कर देनी है और 15 मिनट के बाद आपने इसको पलट लेना है सारे चिकन को, ताकि इस तरफ से ना अच्छे से हीट आ जाए। अब इसको पलटने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी, और इसको ढककर अब कम से कम भी 20 मिनट के लिए या फिर 17 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे, यानी कि स्टीम कुक करेंगे। और चूल्हे की आंच इतनी होनी चाहिए जिस तरह हम दम पर रखते हैं। अगर आंच हाई हुई तो फ़ौरन से ये पानी खुश्क हो जाएगा और चिकन आपका जल भी सकता है, इसलिए आपने हल्की आंच पर इसको पकाना है। 20 मिनट में आराम से ये चिकन अंदर तक गल जाएगा। तो यहाँ मैं 17-18 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ, चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैंने चूल्हे की जो आंच है उसको बंद कर दिया है। चूल्हे की आंच बंद करके फ़ौरन ही मैं चिकन को श्रेड करने के लिए खड़ी हो गई। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ठंडा होने दीजिएगा, अगर आपसे इस तरह से चिकन श्रेड ना हो तो। अब सारा चिकन श्रेड करने के बाद चूल्हे की जो आँच है उसको आपने खोल देना है, लेकिन हल्की आँच रखनी है, सही है।
वेजीज़ में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज। एक शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी का चौथा हिस्सा लिया है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने इस तरह से लंबाई में बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स के दौरान ही ये वेजीज़ थोड़ी बहुत नरम हो जाएंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढककर स्टीम कुक करूँगी सिर्फ़ 1 मिनट के लिए। हल्की आंच पर इसको पकने दूँगी ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं ये मज़ीद नरम हो जाएं, सॉफ़्ट हो जाएं। लेकिन मुझे इनका थोड़ा सा क्रंच पसंद है, इसलिए मैंने क्रंच रहने दिया है। आपको ना पसंद हो तो आप इसको अच्छे से पका सकते हैं, सही है। तो फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, उसको मैंने रख दिया है साइड पर समोसा बनाने के लिए। समोसा के इसके लिए एक लई तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिए है 5 खाने के चम्मच जितना मैदा और आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है, और दरमियाने कंसिस्टेंसी की आपने ये लई तैयार कर लेनी है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना बिल्कुल थिक होनी चाहिए, सही है। अब ये मेरी होममेड समोसा शीट्स हैं, जिसकी रेसिपी इस समोसा बनने के बाद मैं आपको देने जा रही हूँ, इसी रेसिपी के आखिर में। तो समोसा शीट्स लेंगे और समोसा को इस तरह से फोल्ड कर देंगे बहुत क्लियर तरीके से। यहाँ पर ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, समोसा का फोल्ड करना बहुत इजी है। जब शुरू शुरू में हम कुकिंग सीख रहे होते हैं ना, तो हमें चीज़ें मुश्किल थोड़ी सी लगती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरीके से आपने समोसे को फोल्ड करना है। रेसिपी देखते हुए कौन यहाँ तक पहुँच चुका है, अगर आप पहुँच चुके हैं तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, यानी कि थम्स अप दे दिया होगा। इससे आपका कुछ नहीं जाता, मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिल जाती है कि अच्छा आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें भाई, और अगर लास्ट में आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसको शेयर भी ज़रूर किया करें। समोसा को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब जो फिलिंग है ये ठंडी हो चुकी थी, गरम गरम ही आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, और इसकी जो फिलिंग है वो ना तो आपने बहुत ज़्यादा रखनी है और ना ही बिल्कुल कम, बहुत ही बैलेंस आपने इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग के बाद अब इसको जो तीसरी फोल्ड लगानी है वो भी इस तरह से लई लगानी है और इसको समोसा की शेप दे देनी है। तो देखा आपने कितना इजी था समोसा को फोल्ड करना, और इस तरह से कोई एज बच जाए ना तो उसको आपने इस तरह से कट कर देना है। दैट्स इट, समोसा हमारा तैयार है। इसी तरह से सारे समोसे हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, रमज़ान आने वाला है, आप चाहें तो इसको 1 हफ्ते के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं फ्राई करके दिखा लेती हूँ। ऑयल लिया है, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल आपने नहीं लेना है। अब इन समोसों को हमने इतना फ्राई करना है कि ये बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे, और आपने इनको उलट पुलट इनकी करते रहना है। तो यहाँ पर समोसे का कलर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा आ गया है, क्योंकि जब हम इसको बाहर निकालेंगे थोड़ा सा ये कलर इसका मज़ीद डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने लाइट गोल्डन पे ही इसको निकाल लिया है। और इसी तरह से मैं सारे समोसे फ्राई कर लूँगी। तो ये है जी हमारी रेसिपी का, हमारे समोसे का फाइनल लुक। और अभी मैं आपको थोड़ा तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसे हैं, बहुत यमी बनकर तैयार होते हैं। बहुत आसान रेसिपी मैंने आपको दी है, झटपट सी और क्विक सी रेसिपी है। आपके पास रेडीमेड समोसा शीट्स भी रखी हुई हों, चिकन उठाएं, मसाला लगाएं, 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दें, मैरिनेशन के लिए रखें और समोसा बनाकर तैयार करें। रमदान में आप इफ्तार में इसको बना सकते हैं, या फिर ओवरऑल जब भी आपका दिल करे आप इस समोसे को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको देने जा रही हूँ समोसा शीट्स की रेसिपी। मैं यहाँ पर 3 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी समोसा शीट्स बनाना चाह रहे हैं। अगर तो आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, बनाकर इसको फ्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा मैदा। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। नमक जाएगा 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, समोसा शीट्स के लिए हमेशा मैदे का ही इस्तेमाल किया जाता है, आटे का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पानी कभी भी नहीं डालते हैं। और ये जो डो हमने गूंदनी है, ये नॉर्मल डो से हमने सख्त रखनी है, यानी कि डो आपकी पतली नहीं होनी चाहिए, इसको आपने काफ़ी सख्त रखना है। तो मैंने पानी का वही इस्तेमाल किया, इसमें मैंने मज़ीद पानी का इस्तेमाल नहीं किया। जितनी भी खुश्की थी वो मैं उसी में एडजस्ट कर रही हूँ, और अच्छे से मुक्की लगा कर ये आटा आपने गूंदना है।
तो यहाँ पर डो हमारी तैयार है, इस पर थोड़ा सा पानी लगाकर और ढककर कम से कम भी 15 मिनट के लिए साइड पर रख दूंगी, ताकि ये जो आटा है ना ये एडजस्ट हो जाए और जब हम इसके पेड़े बनाएं तो हमारे से आसानी से बन जाए। रेस्ट आप लाजमी दिया करें। 15 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस डो को। अब काउंटर पर बहुत सारा आपने मैदा डस्ट करना है। अच्छा, इसमें मैदे का इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा होगा। अब इस पॉइंट पर आप चाहें तो आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे आप मैदे का ही इस्तेमाल करें, लेकिन मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैंने एक बहुत बड़ा सा पेड़ा बना लिया है और इसको 4 या फिर 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पहले हमने आटे को रेस्ट दिया था, अब दूसरी दफ़ा आपने पेड़े बनाकर इनको भी 10-1 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है। अब इनको इस तरह से प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे। सारे पेड़ों को आपने इसी तरह से कर लेना है। तो जब सारे पेड़े आप फ्लैट कर लें, सीधे कर लें, अब एक एक पे आपने पहले ऑयल लगाना है, उसके बाद ढेर सारा मैदा उस पे लगाना है, उसको सेट करना है, पूरी रोटी पे फैलाना है, यानी कि पूरी फ्लैट किए हुए पेड़े पे। और फिर दूसरा उठाते जाएं, उसके ऊपर रख दे जाएं, फिर ऑयल लगाएं, फिर मैदा, ढेर सारा मैदा डालें, फिर दूसरी रोटी को उठा के, यानी सारे आपने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाना है। ऑयल लगाएं, मैदा डस्ट करें, दूसरे पेड़े को उठा के उसके ऊपर रखें, ऑयल लगाएं, मैदा लगाएं और दूसरे पेड़े को उठा के इसके ऊपर रखते जाएं और सेट करते जाएं। इसी तरह से आपने सारा फिनिश करना है। और अब हमारा जो है फाइनल लुक है। अब इस यहाँ पर बहुत सारा आपने मैदा डस्ट करना है और हाथों की मदद से इस तरह फ्लैट करते हुए रोलिंग पिन की मदद से आपने एक रोटी बेल लेनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ कि इसको जो आपने स्टेप बाय स्टेप एक हर पेड़ा एक दूसरे के ऊपर रखा है, उसके दरमियान आपने मैदा डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, वरना आपसे शीट्स अलग नहीं होंगी। मैदे का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है और ढेर सारा करना है। यहाँ पर रोटी मैंने बेल ली है, तवे को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तवा यहाँ पर गर्म हो चुका था। अब रोटी को उठाकर तवे के ऊपर डाल देंगे और हमें इस रोटी को पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको हीट अप करना है। जब ऊपर से देखें इसके कि ये इसने अपनी शक्ल चेंज कर दी है, तो फिर आपने इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर देखें, जो मेरी फर्स्ट मिस्टेक मुझसे हुई, मैं इसको चिमटे से पलटने की कोशिश कर रही थी, जो कि गलत तरीका था। अपने हाथों की मदद से ही इसको पलटना है, और क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही थी तो इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक तो होंगी भाई, ठीक है। तो मैं भी कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, हम भी सीख रहे होते हैं कुकिंग। अब इसको दोनों साइड से हीट देने के बाद मैंने इसको काउंटर पर उतार लिया है। अब इसके जो गुलाई के एजेस होंगे ना, गुलाई की जो शेप होगी, उसको आपने कट कर लिया है। कुछ लोग जो बिल्कुल बिगनर हैं या फिर मास्टर कह लें, वो स्केल का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगा मैं ऐसे ही कर सकती हूँ। अब क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो जाहिर है मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि मिस्टेक तो होगी, इसमें मेरी एक शीट वेस्ट हुई थी जो टॉप वाली थी, सही है। ये जो फर्स्ट शीट है ना, अब ये मुझसे वेस्ट जाएगी, तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना अगर आपसे पहली बार बनाते हुए इस तरह से मिस्टेक हो जाती है। इट्स नॉर्मल, क्योंकि हर काम करने से ही हमें एक्सपीरियंस आता है। लेकिन ये जो वेस्ट हुई है ना, इसको आपने फेंकना नहीं है, सूखी रोटियों में नहीं डालना, इसकी आप पापड़ी बना सकते हैं, सही है। अब हर शीट आपने इस तरह से अलग कर लेनी है। तो सारी शीट्स मैं इसी तरह से अलग कर लूँगी और बहुत आराम से हो जाएंगी। अगर आप इन रोटियों के दरमियान ना मैदे का इस्तेमाल आपने ज़्यादा किया होगा, तो बहुत आसानी से आपसे अलग हो जाएंगी। अब ये देखिए, मैंने एक शीट को उठाया और मैंने ऊपर से खींच के इसको अलग कर लिया, जिससे ये हुआ कि इसका एक किनारा रह गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आपने नहीं करनी है, तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर सारी समोसा शीट्स बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अच्छा, यहाँ पर सारी पट्टियाँ मैंने अलग कर ली हैं। रमज़ान में आप चाहें तो इसको 1 हफ्ते के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बेकरी से अगर लेने जाएं तो 300, 400, 500 का पैकेट आ रहा होता है। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएं तो इतनी मिस्टेक तो हो जाती है। मैं खुद को 85% दूंगी, क्योंकि एक ही शीट ख़राब हुई है यार। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपसे भी बन जाएंगी, सही है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट रेसिपी क्या हो कमेंट करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये क्लब सैंडविच, जिसको बनाएंगे मेरे तरीके से और बहुत यमी ये बनकर तैयार होते हैं। इसे आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं,
टी मेन्यू में रख सकते हैं और बेकरी से कई गुना बेहतर ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन आपको बेहद पसंद आएगी। इसके लिए एक बाउल लेंगे, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप दूध का, और ये मैं खुले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉर्न स्टार्च इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। और आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, इसमें किसी भी किस्म की गुठली नहीं होनी चाहिए। अब एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। चूल्हे की आंच जो है उसको मैंने मीडियम लो रखा हुआ है। प्याज इसमें मैं डालूंगी 2 दरमियाने साइज़ के, जिसको मैंने ऑमलेट शेप में कट कर लिया है, यानी कि बारीक चॉप किए हुए, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर सॉटे कर लेंगे, या फिर इतना कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं ये नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट, ठीक है। अब जो दूध हमने तैयार करके रखा है वो इसमें डाल देंगे, और ये सैंडविच बहुत हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। स्पेशली आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, भुना और कूटा हुआ ज़ीरा मैंने इस्तेमाल किया है। लहसुन का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर ये भी 1/2 चाय का चम्मच। अच्छा, आप इसकी जगह पर ना फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उसको आपने पहले फिर ऑयल में सॉटे कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। काली मिर्चों का पाउडर ये आपने 1/2 चाय का चम्मच लेना है, या फिर 1 चाय का चम्मच, या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकती हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा कम रख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप अगर आप ख़ुद को थोड़ा सा जो है स्पाइसी पसंद है तो फिर आप काली मिर्चों का इस्तेमाल बढ़ा भी सकते हैं। नमक मैंने इसमें शामिल किया है 1/2 चाय का चम्मच, या फिर आप चख लीजिएगा अपने जायके के मुताबिक, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें डालेंगे चिकन, मैंने उबला हुआ चिकन लिया है। अच्छा, नॉर्मल कोई मैंने इसमें चीज़ें लहसुन वगैरह शामिल नहीं किया। एक मैंने ब्रेस्ट पीस लिया, उसको मैंने नॉर्मल पानी में बॉईल कर लिया और फिर उसको श्रेड कर लिया। ये इसमें डालकर इसको बहुत अच्छे से प्याज और दूध के साथ मिक्स कर लेंगे, और ये फीलिंग बहुत यमी और बहुत ही लाइट वेट मसालों के साथ बनकर तैयार होती है। जब आप ऊपर से टेस्ट करेंगे ना तो आपका दिल करेगा कि मैं इसको खाती रहूँ, बिलीव मी। हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था, आपने देख लीजिएगा, मैंने तेज़ वाली 2 हरी मिर्चें ली, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको पेस्ट बना लिया उसका। सोया सॉस इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, सिरका ये भी 1 खाने का चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, मुझे तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं पसंद है, थोड़ा सा लिक्विडी होना चाहिए तभी वो ब्रेड के अंदर ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ी सी इसमें लिक्विड मौजूद है, चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है, इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 बाउल और इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। काली मिर्चों का पाउडर ये 1/3 टीस्पून, यानी कि 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम। नमक इसमें डालेंगे जायके के मुताबिक, आप पिंच ऑफ डाल दीजिएगा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे फ्राई कर लेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें मैंने डाला है 1 खाने के चम्मच जितना ऑयल। जब आप देखेंगे ऑयल गर्म हो चुका है, इसको ऑयल को ना आपने पूरे पैन में ग्रीस कर लेना है ताकि ऑयल फैला हुआ हो पैन में। जब आप देखिए कि पैन गर्म हो चुका है, फिर इसमें बीट किया हुआ अंडा डाल देंगे, और इसको हल्की आंच पर आपने इस एज इट पकने के लिए रख देना है। थोड़ा सा आप इसको घुमा लीजिएगा जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ताकि इवन हो जाए, और बहुत केयरफुली आपने इसको पलट लेना है। 30 सेकंड के लिए मैंने एक साइड से पकाया, 30 सेकंड के लिए ही मैंने दूसरी साइड से पकाया है, और अब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आई होप कि आपने रेसिपी को लाइक कर दिया होगा, यानी कि थम्स अप दे दिया होगा, और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अच्छा, अंडा भी रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर एक ग्रिल पैन मैंने लिया है, और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया, उसके बाद एक ब्रेड रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रेड की साइज़ अभी कट नहीं की हैं, इसको हम बाद में कट करेंगे।
थोड़ा सा हाथों की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए इस पे आपने निशान दे देने हैं हल्के से, और इस चूल्हे की जो आंच है उसको आपने मीडियम लो रखना है। सही है, बहुत ज़्यादा आपने मीडियम हाई नहीं रखना वरना आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो उस ब्रेड के ऊपर मैंने मोजरेला चीज़ रखी है, मोजरेला और चेडर चीज़ मिक्स थी। सही है, तो एक के ऊपर मैंने मोजरेला और चेडर चीज़ रख कर उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया। बाकी के जो ब्रेड हैं उनको भी मैंने इस तरह से सारे ब्रेड तैयार कर लिए। अब मैं इसके ऊपर मेयोनीज और केचप लगाकर इनको अच्छे से पूरे ब्रेड पे अप्लाई कर दूंगी। दोनों ब्रेड पे मेयोनीज और केचप अप्लाई करने के बाद अब जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर रख देंगे। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी ज़्यादा ही इन चीज़ों के अंदर फिलिंग पसंद होती है, इसलिए मैंने चिकन भर के इस्तेमाल किया है। अब जो दूसरा ब्रेड है इसके ऊपर अंडा रख देंगे। वेजीज में मैंने यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल किया है और खीरे का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सलाद पत्ता है या जो आपकी कॉर्न इस्तेमाल करना चाहें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब दूसरे ब्रेड को उठाकर मैंने पहले वाले के ऊपर रख दिया, और जो दूसरा ब्रेड है उसके ऊपर भी मेयोनीज अप्लाई कर लेनी है ताकि ये साइड ना फीकी फीकी ना लगे, और उस साइड को उठाकर अंडे और वेजेज के ऊपर रख देना है और उसको बिल्कुल इवनली आपने सेट कर लेना है। अब इसकी साइड्स कट करेंगे। अच्छा, जिस नाइफ से आप इसकी साइड्स कट करें ना, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि वो थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। तो चारों साइड्स मैंने कट कर ली हैं। अब बहुत एहतियात से इनको दो हिस्सों में, दो से तीन हिस्से या चार हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास टूथपिक रखी हुई थी, मुझे नहीं पता मैंने इस वक्त क्यों इस पे नहीं लगाई, लेकिन अगर आपके पास टूथपिक रखी हुई है तो आप अप्लाई करके फिर इसको चार हिस्सों में काटिएगा। बहुत ही इवनली आपसे कट जाएगा, और मुझसे तो खैर, मैंने आई एम अ शेफ़ यू नो पार्ट ऑफ द जोक, मैंने ऐसे ही इनको बहुत अच्छे से कट कर लिया था। अब इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, तो बहुत मज़ेदार ये सैंडविच बनकर तैयार होते हैं। आप इसे अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, हाई टी मेन्यू में इसको सर्व कर सकते हैं, अपने बुज़ुर्गों को बनाकर दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं। ये सैंडविच बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों सबको